हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको टमाटर के बहुत सारे फायदे बताए हैं। क्या आप जानते हैं कि लाल कलर के रसीले टमाटर के अंदर कितने गुण हैं? क्योंकि रेड कलर का होता है इसीलिए इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की भरमार होती है। जी हाँ, लाल कलर का दिखने वाला चाहे कोई फल हो या सब्जी हो, फिर चाहे वो लाल मिर्च ही क्यों ना हो, सारी चीजों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। चाहे वो टमाटर हो, लाल मिर्च हो, स्ट्रॉबेरी हो, अनार हो या फिर कोई अन्य लाल कलर का फ्रूट हो, इन सारी चीजों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप टमाटर के रस का प्रयोग अपने चेहरे पर और अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए करना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे अच्छा डिसीजन होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं, चेहरा काफी ज्यादा ढीला पड़ गया है या फिर चेहरे की रंगत खो गई है, तो इन सारी स्किन संबंधित प्रॉब्लम से दूर होने के लिए आप टमाटर के रस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे हैं, तो तुलसी के पत्तों को टमाटर के रस के साथ अच्छे तरीके से पीस कर मुहासों पर लगाइए। तुलसी के अंदर काफी ऐसे तत्व होते हैं जो उन बैक्टीरिया को नष्ट करती है जो हमारे चेहरे के ऊपर मुहासों को जन्म देते हैं। यही नहीं, अगर आपके चेहरे का रंगत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है या फिर टैनिंग काफी ज्यादा हो गई है, तब भी आप टमाटर के रस का प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर के रस को चंदन के साथ मिक्स करके फेस पैक की तरह चेहरे पर लगाइए। ये ना केवल आपकी त्वचा से रंगत को निखारेगा, बल्कि अगर आपकी त्वचा पर फाइन लाइंस और रिंकल्स हो गए हैं तो उन्हें दूर करने में भी काफी ज्यादा मददगार है। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रंगत सुधरे और त्वचा पर किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना रहे, तो टमाटर का इस्तेमाल केवल अपने खाने के अंदर ही नहीं बल्कि अपने फेस पैक के अंदर भी जरूर कीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।